अरे बस बस, चकोर बहुत हो गया, कितना दोगी हमें? अच्छी तरह से स्वच्छ और साफ हो गए, अंदर से भी बाहर से भी, बस करो अब। सूरज, महीने भर का मेल है, साफ होते होते 2-4 घंटे तो लगी जाएंगे, इसलिए अच्छे से साफ हो जाओ। और फिर तुम्हें नए कपड़े भी तो पहनने, तो अगर मैल रह गया तो वो कपड़े भी गंदे हो जाएंगे ना। अरे पर इतना गीला करोगी तो फिर से बुखार हो जाएगा हमें। सूरज, डॉक्टरों ने कहा है कि नहाने से शरीर की गर्मी निकल जाती है और तुम्हारा बुखार भी चला जाएगा। इसके बाद जब तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे और गर्मा गर्म दाल रोटी खाओगे तो तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी और फिर हम तुम्हारे लिए दवाई भी ले आएंगे। अच्छा ये बताओ कि हमारे कपड़े तो तुम ले आई हो, लेकिन हमारा कच्चा बनियान लाई हो कि नहीं? हाँ, हम सब लाए, तुम जल्दी से पहनो। सूरज, सूरज ये क्या कर रहे हो? सूरज, अरे हमें नहला नहला कर तुम खुद गंदी हो गई हो, ऐसे बैठोगे क्या महाशिवरात्रि की पूजा में? लो तुम भी नहा लो, लो। सूरज, ये बात है, रुक। सूरज, तुम फिर से गंदे हो गए, साफ हो जाओ। थैंक यू। तुम भी कपड़े बदल लो वरना सर्दी पकड़ लोगी। ये क्या है? कुर्ता पजामा और ये गंदा सा स्वेटर, हम ये पहनेंगे? सूरज, कुर्ता पजामा और स्वेटर इसलिए क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। गिरजा मौसी चाहती है कि तुम भी पूजा में बैठो। अब तुम हमारे साथ वहां तो नहीं बैठ पाओगे, अगर तुम यहीं से प्रार्थना कर लेना। लेकिन इस कुर्ते पजामे से क्या होगा, सर्दी रुकेगी क्या? और ये स्वेटर, अरे कुछ और ले आती, हमारे लिए एक जैकेट ले आती तुम। सूरज, तुम ना कभी नहीं कर सकते, ये नखरे करना बंद करो। अगर हम उनसे ये जैकेट मांगने जाते तुम्हारे लिए तो फिर से कोई शर्ट लगा देते। पहन लो इसे। मगर ये ठीक है, नहीं पहनना है ना तुम्हें, मत पहनो, ऐसे ही बैठे रहो गीली बनियान में। हाँ ठीक है, गीली बनियान में ही बैठे रहेंगे, मर जाएंगे सर्दी में, मगर ये कुर्ता पजामा नहीं पहनेंगे और ये जलील स्वेटर बिल्कुल नहीं पहनेंगे हम। नहा तो लिए लेकिन पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इससे अच्छा तो नहाते ही नहीं हम। पता नहीं ये चकोर क्या चाहती है। सारा उल्टा पुल्टा हो गया, जीत गया वो, जीत गया वो चूहा, जीत गया। किसकी वजह से है? उस छिपकली चकोर की वजह से जीत गया, उसकी वजह से जीत गया। पापा, हम तो वो आप कुछ मत बोलिए रागिनी, जो कुछ हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से। ये जानते हुए कि वो चूहा सूरज चकोर के लिए कुछ भी कर सकता है, आपने उसे खेल में भाग लेने की आज्ञा दी थी। हमारे हमारे आदेश का विरुद्ध चली गई आप। क्या क्या हुआ, हुआ क्या? जीत उसकी हुई, अरे हम सजा तो आप तो देनी चाहिए सच में। पापा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने कभी कोई गलती की नहीं। अरे आप भी तो इतनी गलतियां करते हैं, हमने कभी सुना आपने? हमारी गलतियां निकाल रही है ये। कमल जी, कर क्या रहे हैं आप लोग? बंद कीजिए झगड़ा, आज इतना बड़ा दिन है और महादेव के सामने आप लोग ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। किसने आप लोगों की हवेली में बात सुन ली ना, तो आप लोगों की कमजोरी का फायदा उठा लेगा। ये बचपना बंद कीजिए आप। दीदी, ये आग बुझाने वाले को कहीं फिर से भेजना होगा। हाँ, हमें इन लोगों की अनबन का फायदा उठाना चाहिए। हाँ दीदी, वैसे हम नजर रख रहे हैं, कहाँ जाते, किससे बात करते, कहाँ बात करते, अभी तो कोई चीज का पता नहीं लगा है, पर जरूर
कभी ना कभी तो हमको कोनो ऐसी चीज मिली है जो कमल नारायण और रागिनी के बीच में फूट डालते हैं। हाँ इमली, हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। वैसे इमली, लहंगा तुझ पे बहुत सुंदर लग रहा है, काफी महंगा भी लग रहा है। हाँ दीदी, महंगी तो होगी ना, घाई के विवान राजवंशी ने अपने नए पैसे से खरीदी है तो कहे महंगी नहीं होगी। इसे दीदी, हम इस लहंगे से बिल्कुल बिल्कुल खुश नहीं है, हम नहीं पहनना चाहते थे, पर विवान ने हमसे कहा कि अगर हम लहंगा नहीं पहने तो हमारे संग पूजा में नहीं बैठी, हमको मजबूरन ही पहनना पड़ा। पर हमने दीदी विवान से कह दिया कि जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हम उनसे बिल्कुल खुश नहीं है। इमली, विवान आ रहा है, भूल जा वो सारी बातों को और उसके पास जा। पता नहीं सूरज ने वो कपड़े पहने या नहीं, मगर हम उससे कहेंगे कि भोलेनाथ को थैंक यू बोल दे, पर वो तो हमारे साथ यहाँ। सब तैयारियां हो गई हैं, अब पति पत्नी मिलकर साथ में शिवजी को दूध चढ़ाएंगे। पति का होना जरूरी है क्या गिरजा मौसी? और नहीं तो का, अरे तुझे मालूम है महाशिवरात्रि कहाँ होती है? ये शंकर भगवान और पार्वती मैया के विवाह का दिन होता है, इसलिए सारी सुहागने अपने पति के साथ मिलकर न पूजा करती है और दूध चढ़ाती है। यजमान, अब आप अपनी पत्नी के साथ आइए और एक एक करके शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए। आइए आइए रंजना। चढ़ाएंगे, सूरज तो है ही नहीं, मगर इसमें दुख करने की क्या बात है? मैं पहले से मालूम था कि वो नहीं आ सकेगा। बेटे, आप तो सुहागन हो ना, फिर आपके पति कहाँ है? हम यहाँ है। चकोर के पति हम हैं। ये यहाँ कैसे आया? मालिक कांच के टुकड़े से कलाई काट के खुद को मारने की धमकी दे रहे थे। अगर इनको कुछ हो जाता तो आप मुसीबत में फंस जाते, इसलिए यहाँ लाना पड़ा। नमः शिवाय।
देखो तो नकली पति पत्नी में प्यार उभर रहा है। ये चूहा हाय छिपकली की जंजीर तोड़ता है और ये छिपकली चूहे के लिए पहलवानों से बढ़ जाती है। पूजा में आने के लिए मरने की धमकी देता है चूहा कहीं का, और ये व्रत रखती है उस चूहे के लिए। एक दहला है तो दूसरा दहला। हम भी बहुत पुराने खिलाड़ी है भाई। कल देखना इन दोनों के जो चाहने वाले हैं ना, उनमें से एक ही बलि चढ़ने वाली है। फिर देखते हैं कौन किसका साथ देता है। कमल जी, आप पूजा पर ध्यान दीजिए। आपके चेहरे के भाव को किसी ने पढ़ लिया तो वो समझ जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। अभी छोड़िए इन बातों को। ठीक है, तुम सोच रही होगी कि हम यहाँ पर कैसे आ गए, है ना? लेकिन इसका श्रेय भी तुम खुद को दे सकती हो। तुमने हमारे लिए व्रत रखा है तो हम तुम्हारी पूजा अधूरी कैसे रहने दे सकते थे? ये लीजिए, ये प्रसाद खाकर अपना व्रत तोड़िए। इस समय रागिनी कौनों से मिलने जा रही? अरे तुम प्रसाद क्यों ले रहे हो? व्रत तो हमारा है, तुमने तो अपनी दाल रोटी खा ली होगी। अरे ठीक तो है बिटिया, छोटे मालिक का अधिकार है। अरे लेने दो ना। आज इस पूजा में आके हमारा मन तो हल्का हो गया, लेकिन सर भारी हो गया। कितने दिनों से ढंग से सोए नहीं है हम। लेट तो जाते हैं लेकिन ठीक से नींद नहीं आती है। बस आज अच्छे से नींद आ जाए तो हम समझेंगे कि भोलेनाथ हमसे नाराज नहीं है। सुनिए पंडित जी, पूजा समाप्त है। जी जी, ये ले पकड़, ले जाए इस बंधुआ को इस हवेली से दूर ले जा। चल 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 जी। चला, चल। प्यार की हवा भर गई है दोनों नकली प्रेमियों में। कल सवेरे सबसे पहला काम रागिनी जो करेगी ना, वो इनमें से एक की हवा निकाल देगी हमेशा हमेशा के लिए। रागिनी कहाँ गई ये लड़की? अब ये कहाँ गई? रागिनी, रागिनी, हमने तुम्हारी ठंडाई गिरा दी। अच्छा चलो सॉरी, हम तुम्हारे लिए और ठंडाई ले आते हैं, ठीक है? अरे नहीं 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 नहीं, हम खुद ही ले लेंगे, तुम बस जाओ यहाँ। नहीं नहीं, हम लेकर आते। जब से तुमने हमारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया, हम जान गए कि तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो हम लेकर आते। पर हम नहीं मानत है ना, तुम हमें अकेला ही छोड़ दो, और तुम और हम कभी दोस्त नहीं हो सकता है। जयराम जी। देख छगनवा, हमका सीधे सीधे सच सच बोल। तोरे और
चंडाल छोकरी के बीच में क्या चल रहा है? अरे कौन चंडाल छोकरी, क्या बोल रही हो? देख छगन, ज्यादा बन मत, हमें सब कुछ पता है। तेरे और रागिनी के बीच कुछ तो चल रहा है, हमने खुद देखा। वो तुझसे आके सॉरी बोल रही थी और तेरे लिए ठंडाई भी लेने जा रही थी। देख छगन, सच सच बता क्या चल रहा है, बोल। अरे, बता छगन, अरे, बोल। अरे का, 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 का कर रहे हो? हम को नहीं पता ये सब का हो रहा है। हाँ, वो एकदम से हमरे ऊपर बहुत ही मेहरबान हो गई है। और वो उस दिन हमरे घर आई और जबरदस्ती हमका बोली कि हमरे लिए खाना बनाओ। घर खाना खाने? हाँ, और हमको बहुत बहुत ही गुस्सा आ गया। और उस गुस्से में हमने खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची मिलाई थी, लेकिन बावजूद उसके वो सारा खाना खा गई, कछु नहीं बोली, चुप रही। पर हमरे तो ये बात समझ में नहीं आवत है कि वो हमरे पीछे काहे पड़ी है भूत की तरह। दीदी, हमका ना हमरा हाथ में मिलकर का तुम लोगों को लागत है कि हम ये बात को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कछु नहीं है। अरे वो लड़की से तो हम बात भी नहीं करना चाहते हैं, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। ये छगन, तू रागिनी से दोस्ती और बढ़ा। का? का बोल रही हो? ठीक बोल रही है दीदी, तू रागिनी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई है एकदम पक्की वाली। हमरे बस के नहीं साहब, हम जा रहे हैं, माफ करो। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, सुना नहीं हमने का बोला? देख छगन, खुद के लिए नहीं तो हम दोनों के लिए ही सही। छगन, तू हमारा खुफिया आदमी है दुश्मनों की गैंग में। हाँ छगन, उनका कमल नारन और रागिनी के बीच में फूट डालना बहुत जरूरी। जैसे अंग्रेजों ने हमें आपस में लड़वा कर हम पर राज किया था इतने बरसों तक, बिल्कुल उसी तरह हमें कमल नारन और रागिनी के बीच फूट डालनी है। ये पाप की त्रिमूर्ति को तोड़ना बहुत जरूरी, अगर हम नहीं तोड़े ना तो इस सबन का अपने चक्रव्यूह में फंसा लिए। देख, विवान को तो फंसा लिए, खींच लिए, पर हमका भी खींच लिए, और फिर तू भी नहीं बची, कोई नहीं बची। छगन, तुझे कमल नारायण और रागिनी के बीच फूट डालने में हमारी मदद करनी है। बोल, करेगा ना हमारी मदद? बोल छगन, हमारा साथ देगा या नहीं? बिल्कुल करिए मदद, अगर हमारे कारण थोड़ा सा भी पाप हटी है हम तो मदद क्यों नहीं करेंगे। हम तीनों का उद्देश्य एक है, उस पाप की त्रिमूर्ति का सर धड़ से अलग करना। जरूर करेंगे। चकोर, तुम्हें पता है हमें नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। पहले भूख और प्यास की वजह से नहीं आ रही थी, फिर सर्दी और बुखार की वजह से इतने दिनों से नहीं सोए हैं ढंग से। और ये क्या स्वेटर लेकर आ गई? हम नहीं पहनने वाले हैं। पर सूरज, नहीं पहनेंगे, हमने कह दिया ना, इसके बारे में हमसे बहस मत करना। तो तुम्हें पता है हमारा जोर जोर दर्द हो रहा है और नींद भी नहीं आ रही है। अगर ऐसे ही रहना, हम सोए नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। हम तुम्हें पागल होने ही नहीं देंगे। ये देखो, शिव जी का स्पेशल प्रसाद, इसे पीते ही तुम्हें ऐसी नींद आएगी कि आजादगंज के बाहर तक तुम्हारे खराटे सुनाई देंगे। ऐसा क्या इसमें? भांग है इसमें? अब तुम हमारी नींद के लिए जूस में शराब मिला सकते हो, तो हम तुम्हारे लिए दूध में भांग नहीं मिला सकते। और वैसे भी ये शिव जी का महाप्रसाद है, इसे पीते ही आदमी हरा भरा हो जाता है। वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम ये यहाँ पर लाई कैसे? कमल नारायण के कुत्ते नहीं थे क्या? उन्होंने रोका नहीं तुम्हें? रोकते कैसे, ये ठंडाई हमने पहले उन्हीं को तो चखाई थी।
तुम्हें पता है सारे के सारे एक दूसरे के कंधे पे सर रख के हंस रहे थे। अब लो जल्दी पियो इसे और सो जाओ। ये तो दो ग्लास है। तुम भी ठंडाई पीने वाली हो? पर हमारी ठंडाई में वो वाली ठंडाई नहीं है, वरना हम भी तुम्हारे कंधे पे सर रख के हंसना शुरू कर देते। गुड गर्ल। अच्छा अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारा वाला ग्लास कौन सा और हमारा वाला कौन सा, ताकि हम जल्दी से पिएं और जल्दी से सो जाएं। फादर कुत्ता बन गया? चुक। तुझे तो हम मजा चखाएंगे, हंसते हम पे। अरे चकोर, अरे ये क्या कर रही है तू? चकोर क्या कर रही है तुम? अरे नमक खराब, तू हमारे साथ नमक खराबी करेगा? चकोर तुम्हें क्या हो गया? अरे छोड़ो। अरे गिर गए रे। अरे महाराज हो तो ठीक है, लेकिन इस गोबर में क्यों गिरा है रे? ये कौन सा भूत सवार हो गया तुम पे? क्या हो गया तुम्हें? इधर आओ। सूरज, हमने वो झाड़ू का तिनका तिनका अलग कर दिया। वो झाड़ू कहाँ गए? ये क्या कर रही हो तुम? सूरज, तुमने तुमने देखा वो झाड़ू ऐसे से कहीं चल के गए ना? कहाँ गई? कहाँ गई वो झाड़ू? झाड़ू को चलते हुए नो। मतलब वो भांग वाली ठंडाई इसने पी ली और हमने शादी वाली। चकोर तुम अब यहीं रहोगी, अगर वहां गई तो पता चला कि कमल नारायण के ऊपर भी झाड़ू फेर दिया तुमने। नहीं नहीं सूरज, हमको बहुत काम है, हमें जाना है। अरे चकोर कहीं जा रही हो तुम? हवेली में सब उठ जाएंगे।